ग्राम पंचायत दलपतपुर जनपद मुरादाबाद के थाना मोड़ा पांडे के मदरसा जामिया अरबिया कासमिया फैजानुल उलूम के एक जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए उलेमाए कराम ने 6 माही के सालाना इम्तिहान में अच्छी पोजीशन लाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा और उनकी हौसला अफजाई की। मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद तालिब ने कहा कि हमारे मदरसे में दुनियावी और दीनी तालीम में अच्छी पोजीशन लाने वाले तलबा को हर साल की इनामात देकर उसका हौसला बढ़ाया जाता है। इस साल मदरसे के 180 तलबा में से 37 बच्चों ने अच्छे नवरात हासिल किए, जिसमें अव्वल पोजीशन में 10 बच्चे और दूसरी पोजीशन में 11 बच्चे और तीसरी पोजीशन में 17 बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे नवरात हासिल करके अपने माँ पिता और मदरसे का नाम रोशन किया। इस मौके पर क्षेत्र की भारी संख्या में सम्मानित हस्तियों के साथ साथ बाहर से आए हुए उलेमा भी तशरीफ लाए और दीनी और दुनियावी तालीम पर तकरीरें की और लोगों को बताया कि हमें दुनिया में जीना है तो दुनिया की तालीम भी हासिल करनी होगी और अख्तियार को संभालने के लिए दीनी तालीम हासिल करनी पड़ेगी। प्रोग्राम के आखिर में देश के अमन व सलामती के लिए दुआ की गई। मदरसा जामिया कासमिया अरबिया फैजान उलूम दलपतपुर हाजी गुलजार की चक्की के पास, इसमें एक इनामी जलसा और बच्चों को जो इम्तहान में आला नंबर से पास हुए हैं उनके लिए एक जलसा और एक अंजुमन की शक्ल में जलसे की शक्ल रखी गई है, जिसमें उलमा इकराम बाहर से तशरीफ़ लाए, मुफ्ती राशिद साहब लालपुर, कारी दिलशाद साहब, कारी याकूब साहब मदरसा इमदादिया और दो उलमा गुजरात से तशरीफ़ लाए सूरत से, मौलाना सलीमुल्ला साहब और मौलाना सालिम साहब। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, गिफ्ट देंगे? हमारे मदरसे में तकरीबन 180 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 37 बच्चे पोजीशन लाए हैं इम्तहानात में। अव्वल पोजीशन वालों में 10 तलबा हैं, 10 बच्चे हैं और सेकंड पोजीशन वालों में 17 तलबा यानी 17 बच्चे हैं और थर्ड में 11 बच्चे हैं। अच्छा, क्या क्या नाम है बच्चों के जिन्हें मतलब सम्मानित किया गया है? हिंदी में जो आला नंबर से पास हुई हैं वो अक्सा मुजाहिद अली की लड़की हैं और नौरानी कायदे में मोहम्मद आयान यूसुफ भाई के लड़के हैं और इसी तरीके से कुरान करीम में नाजरे में मुबशरा जो शफीक भाई हैं गली में रहते हैं उनकी नवासी है, वो आला नंबर से पास हुई है। क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को आज के दिन? मैं तलबा से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे मेहनत करें, जी जान लगा के पढ़ें और गैर हाजिरी ना करें और देर हाजिरी ना करें, यानी गैर हाजिर भी ना रहें और देर से भी ना आए, और ये जो हमारी बचपन है ये ज़िंदगी है, यही तालीम हासिल करने का मौका होता है। बड़े होने के बाद तालीम हासिल करना आसान नहीं होता, बच्चे हैं ये मासूम होते हैं, अब ये नहीं जानते वालिदैन की जिम्मेदारी है। मैं वालिदैन से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम हो या दुनियावी स्कूल की, उसमें गैर हाजिर जो है जहर है बच्चे के लिए, गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए। कोई भी तालिब इल्म हो, चाहे स्कूल हो चाहे मदरसा हो, उनके लिए हाजिरी बहुत ज़रूरी है और जो हमारे यहाँ बच्चे आला नंबर से पास हुए वही बच्चे पास हुए जो रोज़ाना पढ़ने आते हैं, जो रोज़ाना नहीं आते वो उनके नंबरात भी अच्छे